आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 3 एडिशन का। ओके सो आज मैं, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बोला था कि मैं पार्ट 3 में आपको कैरी ओवर सिखाऊंगी, तो चलो स्टार्ट करें कैरी ओवर। स्टार्टेड। 89 + 23। ओके फर्स्ट मैं 2 डिजिट का कराऊंगी, बाद में 3 डिजिट का भी करा दूंगी आपको। ओके तो 90। सो अब आपको वो स्लोगन याद है और किसका पहले करने का, वंस प्लेस का। तो वंस प्लेस का मैंने देख लिया 9 और नीचे है 3, तो 9 को मैंने माइंड में रखा और 3 को फिंगर में। 10 10 11 12। ओके सो आंसर आ गया 12, पर हम लोग दोनों नंबर तो रख नहीं सकते फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ओके तो अब जो वंस प्लेस का नंबर है उसको इधर और टेंस प्लेस का ऊपर। ओके तो 12 में 2 इधर और टेंस प्लेस का जाएगा अपने दोस्त के पास, जैसे कभी हमको खेलने के लिए अपने दोस्त के पास जाना होता तो जाएगा। ओके चलो ये 1 तो गया अपने दोस्त के पास उड़न छू और ये 2 इधर ले गया। अब इन दोनों का करने का, बाद में एंडिंग में जो इसके साथ आंसर आएगा उसको हम लोगों को, उसमें जो आंसर आएगा उसको और एक बड़ा देने का, क्योंकि इसका दोस्त भी तो है। अब सांप सीढ़ी में आप गोटियां खेल रहे होगे तो एक गोटी बढ़ानी पड़ेगी आपका दोस्त नया आया हो वैसे ही। ओके तो पहले हम लोग बिगर नंबर ऑन द माइनस स्मॉलर ऑन द फिंगर। चलो नाउ 10 9 और 10। लिखेंगे हम लोग 11, क्योंकि ऊपर वाला भी तो है। 1 तो 1 ही रहेगा पर 11 भी रह जाएगा। आंसर क्या आया 112। सो फ्रेंड्स अब चलो मैं आपको 3 डिजिट का सिखाती हूँ। ओके और हाँ, वो जो अगर ऊपर वो नंबर नहीं होगा तो अपने दोस्त के पास नहीं जाएगा तो उधर ही रह जाएगा, वो मैं अभी सिखाऊंगी आपको 3 डिजिट्स में। फ्रेंड्स आपको पता चला मैंने 11 क्यों लिखा, क्योंकि आप इसका ये जो इसका भाई था वो तो उसके दोस्त के पास चला गया, तो अब दोस्त को भी गिनना पड़ेगा। तो ला दिया ना 10 से 11, 10 बच्चे खेल रहे उसमें और एक बच्चा आ गया, 11 हो गए ना ऐसे। चलो मैं 3 वाला तो ला दूँ। ओके चलो रुको, अब मैंने नंबर सोच लिया है 719। ओके जैसे 7 नंबर और नीचे का नंबर है ना। ओके 100 और 12। चलो ओके चलो ये तो फ्रेंड्स चलो इधर से मैंने नंबर चेंज कर लिया, क्योंकि अगर वैसे कैरी ओवर नहीं हो सकता था तो मैंने 9 ला दिया उसकी जगह, उसकी जगह। चलो अब सॉरी मैं प्लस के निशान कर लूंगी। सो अब बिगर नंबर ऑन द माइनस स्मॉलर नंबर ऑन द फिंगर, ये स्लोगन अब सबके दिमाग में याद हो गया है, क्योंकि मैंने इस पार्ट 3 तक, 1 से लेकर 3 तक में बहुत बार बोल दी है, तो मेरे को पता है सबको याद रह गया होगा। 9 को 9 ओके 10 11। आंसर आया 11, पर मैंने आपको बताया था ना 11 नहीं होगा। अब पार्ट ये 3 डिजिट में कुछ अलग ही होता है, पहले अभी इसका 11 आया ना, यस तो 1 इधर और 1 गया अपने जुड़वा दोस्त के पास। चलो 1 ओके अब ओके अब आया अब 11 इधर भी आंसर आया। अब आप सोच रहे होंगे 11 इधर आंसर आया तो अब हम लोग क्या करें, तो अब इसके बाजू में कोई अगर नंबर ना हो तो हम लोग 11 लग सकता है, पर अगर बाजू में नंबर होगा तो इसके पास ये जा सकता है। सो फ्रेंड्स उसका दोस्त उधर अवेलेबल है तो वो उधर लग सकता है, जैसे इसमें अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं रखा, डायरेक्ट रख दिया इधर। ओके वैसे ही अब इधर भी आया आंसर 11, 10 में और एक ऐड हो गया 11 आया। अब 11 तो 1 इधर और 1 जाएगा अपने दोस्त के पास, अब उसमें भी आंसर आया इधर 9, 8 आता पर ऊपर नहीं गिना और 9। सो
फ्रेंड्स इसका फ्रेंड है तो नीचे, अगर फ्रेंड होता तो उधर चला जाता, और अगर फ्रेंड नहीं है तो वो नीचे आ जाता है। ओके सो ये एडिशन का हो गया। आपको फ्रेंड्स कैसी लगी हमारे वीडियोस, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और हमारे फनी शॉर्ट्स को भी देखते रहना। ओके टाटा बाय बाय।